हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के कल मैच होने जा रही है, कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया वर्सेस स्वीडन में उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनाने जा रहा हूँ। और ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले हमेशा की तरह ये बोलना चाहता हूँ कि कोई मेरा सब्सक्राइबर हो या नया व्यूअर जो देख रहा है वीडियो, मेरे वीडियो हमेशा पूरी देखो, वरना देखो मत। अगर पूरी देखता है तो वो खुद बोलेगा कि तेरी वजह से टीम जीती है, इतनी मेरी टीम वर्किंग भी होती है और उसके मैंने प्रूफ हमेशा ही दिखाने पड़ते हैं मुझे, तो शायद कोई यूट्यूबर भी बताए या देख सकते हैं प्रोसेस में। और मैं हमेशा अपनी गलती भी सुधार लेता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं जीते हुए प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने हमेशा अपने रैंक डूबे हुए भी प्रूफ दिखा, क्यों डूबती है वजह बताता हूँ, आप किसकी वजह से हट जाते हैं। या देख सकते कोस्टारिका और सेसर भी है कि मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाई, या देखिए वन रैंक आई, यह क्या हुआ अब मैं बताता हूँ। या तो वन रैंक आई, ये तो देख सकते, या देख सकते कि मैंने परफेक्ट टीम बनाई, मैंने कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन दिए थे टैडिक लाजाजिक, या देख सकते और रूज भी दिए थे तीन ऑप्शन बेस्ट। वह देख सकते मैं झूठ बोल रहा तो वीडियो में देख सकते, यहाँ तक मेरे कप्तान वाइस कप्तान के बोले थे कि बहुत अच्छे। और जो मैं नहीं बोलता, एक कन्फर्म प्लेयर नहीं बोलता, या देख सकते थे वो खेले नहीं, तो वो मत लीजिए, ये आपको दिखाना था। चाहो तो वो सब्सक्राइबर की भी मुझे कमेंट आई थी व्यूअर कि भाई ये प्लेयर खेलने वाला नहीं, तूने लिए, मैंने जाने दिया, वैसे उसे ज़्यादा बात नहीं की। मैंने वीडियो में ही बताया होता कि कौन से प्लेयर कन्फर्म है या नहीं, जो प्लेयर कन्फर्म नहीं होते उन्हें मैं फिर स्क्वाड में क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो प्लेयर अच्छे होते हैं। यहाँ अगर इसके ए प्लेयर के रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे क्यों लिया, लेकिन कन्फर्म नहीं थे इसके ऑप्शन भी मैंने दिए, तो वो देख सकते और यहाँ देख भी सकते। और दूसरी कमेंट ये थी कि यानी कि फर्स्ट कमेंट ये समझे कि भाई मैं बहुत डूबा हूँ, मेरी मदद चाहिए, तो अच्छी बात है मैंने मदद की, लेकिन व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकते, एक कॉमन कमेंट आती है मुझे कि तेरा व्हाट्सअप नंबर दे, तो मैं नहीं दे सकता, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि मेरे स्मॉल लीग में कितनी अच्छी रैंक आई है, तो सिर्फ आपको डेमो दिखाना था कि अगर आप स्मॉल लीग ऐसे रोज़ जीतते हो तभी ग्रैंड लीग के लिए बनाओ, ऐसा नहीं कि आप ग्रैंड लीग मत खेलो, जो हमेशा जीत रहे हो वो ग्रैंड लीग जरूर खेले। मेरी टीम हमेशा ग्रैंड लीग के लिए होती है, सबके लिए होती है, लेकिन मैं फ्री सजेशन देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग डूबते हो, ज़्यादा को पता नहीं होता, जो खेल रहे वैसे खेलते। यहाँ देख सकते हैं गोलकीपर में स्वीडन के रॉबिन ओल्सन है, उन्हें आप लीजिए। जो कोरिया के है वो इतने कन्फर्म नहीं है, चाहे वो जोसन हो या किम स्वंग हो, तो आप सेफ जाइए, स्वीडन के ओल्सन को लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिफेंडर की ओर जाते तो मैं अपने पहले बेस्ट प्लेयर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, या ओल्सन लिस्टिंग को ले सकते आप। ज़्यादातर प्लेयर क्या होते हैं, खेलते नहीं है, मैंने बताया क्योंकि इंजरी के चलते बाहर गए होते हैं। या मिडफील्डर में देख सकते फोर्सबर्ग, वो जो बहुत अच्छे प्लेयर है, नाम में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए भी सॉरी, और मुझसे कोई प्लेयर छूटा है गलती से, अगर नहीं खेलने वाले लिया तो मैं आपको दिखाऊंगा कन्फर्म प्लेयर। तो जुंग ओ यंग जी स्विंग, नाम कोरिया के थोड़े मुश्किल है, क्लासेन को लीजिए, स्वीडन की टीम थोड़ी अच्छी है, और ऐसे नहीं कि कोरिया की टीम तो शायद स्वीडन से अच्छी है, लेकिन स्वीडन और कोरिया के बीच जब मैच हुए तब इससे पहले तो स्वीडन ही जीती थी। या कोरिया के सबसे अच्छे और गोल करने वाले प्लेयर और मेन प्लेयर बोलते होते ह्यूंग मिन सोन, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, तो यहाँ कोरिया के ओक भी हो सकते, लेकिन मत लो। स्वीडन के तोनिन बहुत अच्छे है, और बर्ग को ले सकते, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है। और अब बात आती है कि मिडफील्डर की ओर, अगर मिडफील्डर की ओर जाते हैं तो लार्सन स्वीडन के बहुत अच्छे, उन्हें भी ले सकते। अब स्वीडन के कोई प्लेयर हम नहीं ले सकते, जो यंग को भी ले सकते खेलने वाले, मिनसुन मिन को भी ले सकते, नाम ही ऐसे इनके, उन्हें भी ले सकते। तो यहाँ डिफेंडर ही हमारे नहीं है, तो हमें डिफेंडर में लेना ही पड़ेगा, तो लेनलोप को ले सकते, ओल्सन को ले सकते हैं, चौल खेल लेंगे या नहीं इतना कन्फर्म नहीं, तो ले ही मत। तो यहाँ दिक्कत आ रही है सिर्फ कोरिया के प्लेयर लेने, क्योंकि कोरिया की इतने तो अच्छे नहीं है। किम मिन ऊ को ले सकते, वो भी खेलने वाले, कॉड में तो दिया है। किम योंग वोन वो खेलने वाले हैं, लेकिन
यह टिक कर सकते हैं आप कि इतने कंफर्म स्क्वाड में नहीं, क्योंकि एक मैच खेले नहीं थे एक दो, तो आप अगर सेफ जाना चाहते हैं तो स्वीडन के एंड्रेस को ले सकते हैं, उन्हें तो स्क्वाड में दिया है। यंग यंग सन वो खेलने वाले, यह देख सकते हैं। फिर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो यह फोटो में देख सकते कि कोरिया के प्लेयर कौन से, जे एच पर्क, एच एच जेंग वो खेलने वाले, उन्हें ले सकते हैं। अगर स्वीडन की ओर से जाते हो तो लिनलोप जो मैंने कहा है, जस्टिंग वो भी अच्छे प्लेयर है, उन्हें भी ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आप मिडफील्डर की ओर जाते हैं, लूसिंग वो को मैं लेता हूँ, मैंने अभी दिखाया। अगर सेफ जाना चाहते हो तो मैंने अभी फोटो भी देखा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेयर दूंगा। आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो ली जे सुंग को ले सकते हो। तो यहाँ एक ही जे की, यहाँ ली सिंग वू की जगह ली जे सुंग को लीजिए खेलेंगे। जे ओ यंग को भी ले सकते हैं, वो भी खेलने वाले स्क्वाड में दिया है, वो को भी ले सकते हैं, वो भी खेलने वाले। ये सबसे बड़ी बात आती है कि आप यहाँ कप्तान वाइस कप्तान किसको करे। तो यहाँ कोरिया के हुंग मिन सोन बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्वीडन के तोनिन अच्छे, स्वीडन के बर्ग भी अच्छे ऑप्शन हो सकते, स्वीडन के क्लासेन अच्छे ऑप्शन हो सकते, ली जेंग सुंग वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते, और लार्सन अच्छा ऑप्शन हो सकते। डिफेंडर की ओर अगर चलते हैं तो लस्टिंग जो है वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते, और रॉबिन ओल्सन गोल कीपर अगर आप करना चाहते हो तो वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फॉरवर्ड में मैंने एक प्लेयर नहीं लिया, वो भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सेकंड टीम में लेते हो तो भी अच्छी बात है, या फिर मेरे तोनिन या फिर बर्ग को निकाल कर उन्हें लेते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ कप्तान फोर्सबर्ग को करने जा रहा हूँ, या फिर थोड़ा मैं ही कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि भाई कोई हमेशा मेरे आधी वीडियो देखता है, एंड में वीडियो देखते हैं और मेरी टीम कॉपी होती है, तो मैंने बाकी भी बेस्ट ऑप्शन दिए होते तो वो लेता नहीं। ह्यूंग मिन सोन को मैं वाइस कप्तान करने जा रहा हूँ, तो वो ध्यान नहीं देता क्योंकि वीडियो लंबी होती है। मैं जानबूझकर वीडियो लंबी नहीं बनाता, मुझे पता है कि कोई देखेगा भी नहीं और मेरा ही लॉस होता है। तो इम्पोर्टेंट बात होती है, मैंने हमेशा बोला है कि मैंने आज तक मेरे शुरू से लेके लास्ट वीडियो तक आप देख सकते हैं कि मैंने कभी नहीं बोला कि शुरू में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वैसे यूट्यूबर की नहीं, मैं ट्रस्टेड यूट्यूबर हूँ, मैंने हमेशा कहा मैं सिर्फ आपके लिए टीम बनाता हूँ, अगर आप हारते हो तो मेरी हार होती है हमेशा। तो मुझे ध्यान से टीम चुनना पड़ती है और इतनी बातें बतानी पड़ती है जो इम्पोर्टेंट होती है, किसी को बकवास लगे तो उसके लिए भी सॉरी, अच्छा लगा तो देखे वरना ना देखो जिसको बोर लगता है, लेकिन मेरी ट्रस्टेड टीम होती है। तो यह कप्तान वाइस कप्तान की बात आती है, वो वीडियो लंबी होगी। अगर गोल ज़्यादा होते तो मैंने हमेशा कहा कि फॉरवर्ड के काम आएंगे, और ज़्यादा नहीं बोल सकता वो आप फुटबॉल की प्लेइंग लेव टीम कैसे बनाते हो कार्ड में वीडियो डाला वो आप देख सकते हैं। तो यह कप्तान वाइस कप्तान की बारी आती है। अगर आप स्मॉल लीग के लिए खेल रहे हो तो यह मैं दो तीन ऑप्शन ही देता हूँ। जे लू एच होन्स एच सन को ले सकते हो अच्छे, फोर्सबर्ग को ले फोर्सबर्ग की जगह लार्सन को लेते हो स्मॉल लीग में, वो भी आपके लिए अच्छा है, और तोनिन। इतने कम ऑप्शन, सिर्फ दो या तीन बताए मैंने ऑप्शन सिर्फ स्मॉल लीग के लिए, ज़्यादा ऑप्शन दूंगा तो कन्फ्यूज़ होगा कि कौन से लीग। अगर ज़्यादा टीम बनाते तो यानी कि ग्रैंड लीग के लिए, तो जो फॉरवर्ड के तीन है वो भी ले सकते, मिडफील्डर के लार्सन, फोर्सबर्ग और एल जे स्विंग जो है उन्हें भी ले सकते, डिफेंडर के और जाते तो लेजिंग जो है के मिन वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते, और लास्ट में गोलकीपर जो स्वीडन के वो उन्हें भी ले सकते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ, और मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा हो सकता था जो मैंने लिया है नहीं, या फिर मैं अपनी गलती भी मानता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगे कि उसकी कमेंट, और सचमुच अगर कोई एक प्लेयर छूटा गलती से भी तो मैं उसकी कमेंट को लाइक करूँगा ऊपर आएगी, या फिर कोई प्लेयर मैंने ऐसे भी लिया जो रिस्क है मैंने तो बताया लेकिन नहीं खेलने वाले तो मैं उसकी कमेंट भी डालूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।